हेलो बच्चों बच्चों, मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कि थ्री कॉइन्स या फोर कॉइन्स को एक साथ टॉस करें तो उसका सैंपल स्पेस बनाने की अमेजिंग ट्रिक। यानी कि आप 5 सेकंड में जो है वो सैंपल स्पेस बना देंगे थ्री कॉइन्स का या फोर कॉइन्स का। तो बच्चों, उससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि जब एक कॉइन को एक दफ़ा टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। अगर दो कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, और थ्री कॉइन्स को जब एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स जो होते हैं 8 होते हैं। अगर फोर कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं या एक कॉइन को 4 दफ़ा टॉस करते हैं टोटल आउटकम्स जो होते हैं वो 16 होते हैं। देखिए, 1 कॉइन का लिखना हो, 2 कॉइन का लिखना हो, 3 तक हम आसानी से लिख सकते हैं, लिख लेते हैं, बट 4 टॉसेस के लिए सैंपल स्पेस लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम बीच में भूल जाते हैं कहाँ से क्या लिखना है। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करें या 4 कॉइन को एक साथ टॉस करें तो उनका सैंपल स्पेस कैसा लिखें। बड़ी इमेजिंग ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं ट्रिक। अब देखिए, मैं पहले आपको बताऊँ 3 कॉइन्स को जब टॉस करेंगे, एक साथ टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो स्टूडेंट, उसके लिए देखो पहले क्या है, मैंने आपको बताया था जब 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करेंगे तो वो टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 8 होंगे। ये टोटल आउटकम्स 8 होंगे, तो इसके लिखने का तरीका यह है कि आप 4 टाइम तो हेड लिखें, हेड 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 और हेड लिखेंगे आप, ठीक है। 4 टाइम्स ही टेल लिखेंगे, टेल 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 टेल। उसके बाद दूसरी, पहली स्टेप, सेकंड स्टेप में 2 टाइम्स हेड हेड हेड, 2 टाइम्स टेल टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। अब इसी तरह से थर्ड टाइम में क्या करेंगे, देखिए, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब देखिए, ये जब 3 कॉइन को एक साथ टॉस करा तो उसका सैंपल स्पेस जो होगा वो ये बन का आएगा, और इसमें टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 8 होंगे। यानी कि इस तरह से हम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस ये होगा। अब देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं 4 कॉइन को एक साथ टॉस करूं, यानी कि मैं ऐसा करता हूं, देखिए, ये 3 कॉइन्स की प्लेस पर मैं 4 कॉइन्स लूंगा तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो देखते हैं। अब हम जब 4 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे, एक कॉइन को 4 बार टॉस करेंगे, टोटल आउटकम्स जो होंगे वो 16 होंगे। अब इसके लिए क्या लिखना होगा, पहले आप पहली रो में लिख देंगे 8 टाइम्स हेड लिखेंगे और 8 टाइम्स आप टेल लिखेंगे, टेल 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 टेल, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होगा आपको, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम टेल्स। अब देखिए, 4 टाइम्स मैं हेड लिखूंगा, हेड 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 हेड, 1 2 3 4 नहीं, और 4 टाइम्स हम टेल लिखेंगे, टेल 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 टेल। इसी तरह से नीचे वाली रो में करेंगे, देखिए, हम 4 दफा हेड लिखेंगे और 4 दफा टेल लिखेंगे, हम टेल टेल टेल। अब देखिए, 2 टाइम्स हेड लिखेंगे हम, हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। इसी तरह से सेकेंड रो में लिखेंगे हम, हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल। अब एक दफा हेड एक दफा टेल, देखिए, हेड टेल 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 हेड टेल। अब देखिए, टोटल आउटकम्स ये 16 बन के आ जाएंगे जब 4 कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो, एक साथ टॉस करेंगे, या एक कॉइन को 4 टाइम्स टॉस करेंगे तो। अब देखिए, तरीका वही है, मैंने बताया कि पहले 8 टाइम्स आपको हेड लिखना है, फिर 8 टाइम्स आपको टेल लिखना है, फिर 4 टाइम्स हेड 4 टाइम टेल्स, 4 टाइम्स हेड 4 टाइम टेल्स, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल। इसी तरह से नीचे वाली रो में फिर हेड टेल करके ये हमारा सैंपल स्पेस बन के आ जाएगा। ये इमेजिंग ट्रिक है, 4 कॉइन को जब एक साथ टॉस करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस बनाने की, ठीक है। ओके गाइस, अगर आपको ये जो ट्रिक है पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड हेल्थ।